हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैंने एक वीडियो डाला था, अभी कल डाला था, जिसमें मैंने बताया था कि मैं कई महीनों बाद जैसे इंडिया आया, गोवा में तो एक कसीनो गया था मैं। तो बहुत लोगों ने बोला, यार आपने वो कसीनो जाने का तो एक व्लॉग टाइप बना के डाल दिया, पर वहाँ का रिजल्ट क्या रहा, कितने पैसे लेके गए और क्या रहा वहाँ का, वो नहीं आपने बताया। जनरली मैं वापस आते टाइम बना देता हूँ, मतलब मैंने ऐसे जब भी जो दो चार वीडियो इस तरह के डाले हैं तो उसमें वापस आते टाइम बताता हूँ क्या रहा, कितने पैसे लेके गया। पर क्योंकि मेरा काफ़ी दिन से, जब से मैं इंडिया आया हूँ, देखो ये 6 से 7 दिन हो चुके हैं और मेरी थोड़ा सा गला ख़राब है, और उस दिन कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे जूस वगैरह पी लिया था तो थोड़ा सा ना गला ज़्यादा ख़राब हो गया, तो वो मतलब एक थकावट टाइप वाला माहौल हो गया, तो रात को लेट भी हो गए थे तो मैंने वो वीडियो बनाया नहीं था, इसलिए व्लॉगिंग को वहाँ पहुँचते ही मैंने डाल दिया था। तो मैं आज आपको इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ कि जो लोग गोवा आने वाले हैं उनको कसीनो का क्या रूल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपका GST उसमें कटा कि नहीं कटा। 28% जो रूल है लागू हुआ है कि गोवा मतलब कसीनो में 28% GST कटेगा, आपने वो 28% GST पे किया नहीं किया, या रिजल्ट क्या रहा, या एंट्री फीस कितनी रही। तो मैंने कहा मैं ठीक है, ये एक वीडियो बना के डालूंगा, तो इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग जब उस कसीनो में गए तो मैं अपने घर से 20,000 रुपये लेके गया था, क्योंकि मेरा ये था कि 20,000 का प्ले करेंगे और मतलब थोड़ा सा इंजॉय करेंगे और हमारा कोई पर्पस रह नहीं गया। तो हम लोग गए वहाँ पे और तो वो कसीनो ना मुझे अपने घर जैसा लगता है, मतलब वहाँ का एक एक स्टाफ हमें जानता है, और वो कसीनो में मैं 5-6 साल से जा रहा हूँ, 6 साल से मेरा उस कसीनो से मेरा कनेक्शन है। इवन जब कश्मीर टू कन्याकुमारी के लिए भी मैं जा रहा था, तब भी मैं 3 दिन गोवा रुका था, तो एक बार मैं डिनर के लिए उस कसीनो गया था अपने दोस्त के साथ। मेरे दोस्त है यहाँ पे अच्छे, बड़ी पोस्ट पे है, तो वो मुझे फिर उस समय कि अरे यार तू इतना साइकिल चला के आ रहा है, तो वो कसीनो में मतलब सभी हमें मेरे मेरी पूरी फैमिली को जानते हैं बहुत अच्छी तरह, तो बड़ा अच्छा एक माहौल रहता है। तो उस कसीनो में मैं गया 20,000 रुपये लेके, और अपने जाके वही मशीनों में मेरा खेलने का तरीका क्या है, मैं आपको बता दूँ कि मैं एक साथ सारी रकम नहीं डालता हूँ। 20,000 लेके गया, 5,000 मशीन में डाले और वो 10,800 हुए मैंने निकाल लिए, पूरे निकाल लिए। मतलब पहले क्या होता था कि अरे 800 छोड़ दे, या आप 5,800 प्रॉफिट निकाल दे, या 5,000 ऊपर के निकाल दे, वो नहीं, अब मैंने पूरे निकाल लिए। उसके थोड़ी देर बाद फिर मैंने 5,000 डाले, उसके कुछ मैंने 7,000 हुए और 7,000 निकाल लिए, 2,000 उसमें बढ़ा के निकाल लिए। अच्छा, ये क्यों ऐसा किया, एक कारण ये भी होता है क्योंकि जब हम वहाँ पे बाइंग करते हैं तो उसका रोलिंग चिप मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चांसेस रिजॉर्ट कसिनो, जो गोवा का फर्स्ट लैंड कसिनो है, डोनापोल के अंदर है, नॉर्थ गोवा में पंजिम के पास में ही पड़ता है डोनापोल, डोनापोलम में है वो कसिनो। डोनापोल में वो जो कसिनो है चांसेस रिजॉर्ट कसिनो, इसमें एंट्री फीस नहीं लगती, इसमें आपको बाइंग करनी पड़ती है। मिनिमम 5,000 रुपये की बाइंग है, 5,000 रुपये की आपको रोलिंग चिप मिलेंगी। रोलिंग चिप का मतलब होता है नॉन नेगोशिएबल चिप, मतलब जिसको आपको प्ले करना होता है, जो वो चिप आपकी जाती है उस तरफ, जो लूज होती है चिप, जो हारते हो चिप वो उनकी तरफ जाएगी, और जो आप विन करते हो वो कैश चिप में आएगी। कैश चिप उस चिप को बोलते हैं जिसको आप काउंटर पे कैश करा के अपना पैसा ले सकते हो, कैश ले सकते हो, तो रोलिंग चिप मिलती है। तो हमने 20,000 की रोलिंग चिप ली थी, तो 5,000 डाले। एक तो ये भी था कि रोलिंग चिप को कन्वर्ट करना है कैश चिप में, तो ऐसे करते रहे। और फिर उसके बाद मैं एक बार टेबल पे भी गया, टेबल पे भी अच्छी बैट आई पहली बैट में ही, क्योंकि टेबल पर 100 रुपये की चिप है मिनिमम, मशीन पर 50 रुपये की चिप है, हालांकि मैं 100 से ही खेलता हूँ, पर टेबल पर 100 रुपये की मिनिमम चिप है, और टेबल पर एक फील भी आता है खेलने का कि भैया मतलब आप एक क्लासिक फील आता है। तो ऐसा करते रहे, पर जब मैं कुछ 12-13 हज़ार रुपये प्रॉफिट में था, दो दो डेढ़ दो घंटे या 2.5 घंटे हो चुके थे और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कुछ, क्योंकि मुझे आए हुए 2 दिन ही हुए, 3 दिन ही हुए गोवा से, गोवा आए हुए, तो मैंने प्ले करना बंद कर दिया। मैंने वाइफ को बोला कि अब हम चलते हैं, हमने डिनर भी नहीं किया, हम लोगों ने वहीं पे जो फ्रूट सैलेड और जूस वगैरह मंगवाया वही हमारा डिनर हो गया, प्रॉपरली हमने जाके डिनर नहीं किया। तो मैंने जब मैंने बोला मेरा मन नहीं कर रहा खेलने को, तो मेरी मशीन में कुछ 2,000 रुपये पड़े थे, नहीं मेरी में नहीं, मैंने वाला विड्रॉल कर लिया था, उसकी मशीन में 2,000 रुपये थे, 5,000 मैंने उसकी मशीन में भी डाले थे, तो उसने 2,000 प्रॉफिट किया, फिर उसने 5 निकाल लिए, प्रॉफिट से रह गया। तो उसने 2,000 से छोटी छोटी बैट लगाते लगाते में 3 विड्रॉल किए 2-2 हज़ार के, मतलब जैसे 4,000 हो 2,000 निकाल दो, जैसे 4,042 हो 2,000 निकाल दो, ऐसे करके उसने 3,000 विड्रॉल किए
और उसकी मशीन में कुछ 23-24 सौ रुपये रह गए थे, जिसमें 2,000 तो उसके अपने ही थे अपने। तो उसने कहा नहीं अब बस, तो उसने 2,800 वो निकाल लिए, तो 12,000 मान लो मेरे, और टोटल अगर हम माने तो हम 20,000 लेके गए थे, और 20,800 रुपये के करीब, 22,800 के करीब हम प्लस हुए। तो ये रहा मेरा कसीनो का रिजल्ट कि हम उस दिन गए थे 20,000 लेकर के, और 2-3 घंटे में 22,800 हमने प्लस किया। 22,800 में 8,000 रुपये जो थे, 8,000 नहीं 6,000 रुपये, क्योंकि 8,000 टोटल थे 2,000 से, तो 6,000 रुपये मेरी वाइफ ने विन किए थे, बाकी के मेरे थे। और उसका खेलने का तरीका वही जो नए लोगों की तरह होता है, बहुत सेफ, और वो स्प्लिट लगाना, स्ट्रेट अप नहीं लगा पाती है, स्ट्रेट अप लगाएगी तो ज़्यादा अमाउंट नहीं, जैकपॉट नंबर नहीं बनाते, कॉर्नर खेलना इस तरीके से। पर जो भी है ठीक है, मतलब वो जब भी कभी प्ले करती है तो माइनस नहीं होती है, मैंने ये चीज़ नोटिस की है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, और कसिनो में एंट्री रोलिंग चिप पाइप को बाइंग करने पड़ती है, एंट्री नहीं लगती। अब आती है बात जीएसटी की, तो जीएसटी लागू हुआ था शायद अक्टूबर में, उसके बाद में जब गोवा आया था एक बार दुबई से, थाईलैंड से, तो मैं नियो मजिस्टिक पैराडाइज गया था, लैंड कसिनो है पोरबरी में, उसमें हमने जाकर के बाइंग किया था, तब भी हमने कुछ 30-40 हज़ार की बाइंग की थी, तो कैश में बाइंग की थी, कैश ही बाइंग करता हूँ मैं, कभी भी अकाउंट वगैरह गूगल पे फोन पे ये सबसे नहीं खरीदता हूँ, तो कैश लेके जाता हूँ। तो उसमें कोई भी जीएसटी तब उन्होंने नहीं लगा था, वहाँ मेरी एंट्री फ्री है। और चांसेस कसिनो में मैंने मैनेजर से बात की पहले, मैंने कहा मुझे कैश बाइंग करना है पर जीएसटी का, उन्होंने कहा आपने कितना बाइंग करना, मैंने कहा 20,000 का बाइंग करना है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप बाइंग कर लो, जीएसटी हम पे करेंगे। तो उन्होंने फिर वहाँ काउंटर पे बोल दिया कि भी इनको तुम दे देना, तो मैंने 20,000 रुपये दिए, 20,000 का पूरा रोलिंग चिप लिया मैंने। तो आप लोग जब भी गोवा के कसिनो में आओ तो ज़्यादातर कसिनो में कैश बाइंग पे जीएसटी नहीं लगता है, और जहाँ लगता भी वहाँ आप बात कर लोगे तो वो आपको जीएसटी का कोई सीन नहीं है, क्योंकि पहले भी तो ये 18% दे ही रहे थे ना भाई, पहले 18% जीएसटी लगता था तब भी ये देते थे, अब 28 लग रहा है, इतना ही तो फर्क हुआ कि 10% बढ़ गया। तो आपको मैंने बता दिया मेरा रिजल्ट क्या रहा, और हम उस दिन रात को काफी लेट आए थे, और जीएसटी नहीं कटा, एंट्री फीस नहीं थी, जहां पर एंट्री फीस होती है वहां पर रोलिंग चिप का चक्कर नहीं होता, जहां रोलिंग चिप होती है वहां एंट्री फीस नहीं होती है। जैसे डेल्टिन रॉयल रॉयल डेल्टिन रॉयल के मेरा कार्ड बना हुआ है, मेंबरशिप कार्ड, उसमें मेरे साथ वन प्लस की एंट्री है, फ्री है, तो उसमें क्या है कि वहां पर 50,000 का बाइंग करोगे आप तो वो कार्ड अगली बार वैलिड रहता है, तो 50,000 की बाइंग रोलिंग चिप करने पर आपकी एंट्री नहीं रहती, जबकि डेल्टिन रॉयल कैसीनो की सबसे महंगी एंट्री है। चलो यही सब चीज़ें बताना था, मैंने कहा वो मैंने उस पर लिख भी दिया था पिछले वाले वीडियो में पार्ट 1, क्योंकि वो मैं बना नहीं पाया था, जनरली मैं वापसी में ही बना लेता हूँ,